गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज पंकज कानपुरी। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द सोशल साइंस सब्जेक्ट। इस वीडियो में हम सोशल साइंस का कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, है ना। हो सकता है क्लास सिक्स में पढ़ा हो, बट एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इस साल हम पढ़ेंगे सोशल साइंस। जब आपने सिक्स में पढ़ा था वो आपको ईसीएफई सब्जेक्ट है। The definition of social science means study of society and social relations of human beings. ठीक है, तो हम इसमें सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं, मतलब एक समाज की जो स्टडी कि समाज किस तरह से काम करता है, ठीक है, और जो लोग होते हैं उनका आपस में रिलेशन, उनका नेचर के साथ रिलेशन, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। एम्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल साइंस। अब इसका एम मतलब सोशल साइंस हम पढ़ते क्यों हैं या इसका क्या फायदा हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये कि नॉलेज, हमें नॉलेज मिलता है, जैसे नॉलेज हमें सभी सब्जेक्ट से मिलता है, ठीक है। जब हमें किसी चीज का नॉलेज मिल जाता है तब हम उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, जिसे हम एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो नॉलेज और एप्लीकेशन के बाद जब भी हमें किसी चीज का नॉलेज मिल जाता है, जब हम अप्लाई करने लग जाते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो थिंकिंग है वो क्रिएटिव हो जाती है, क्रिटिकल हो जाती है। मतलब हम नए नए आइडियाज हमें सोचते हैं, है ना, हर सॉल्यूशन से निपटने के लिए हमें नए नए आइडियाज मिलते हैं, ठीक है। तो सोशल साइंस इस चीज में आपकी हेल्प करता है। उसके बाद अवेयरनेस ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स है और व्हाट द प्रॉब्लम्स एक्चुअली वी हैव इन आवर सोसाइटी, है ना। तो वो हम उसे कैसे अवेयर है, कैसे हमें जागरूक होना है, ठीक है, कैसे उससे बाहर आना है, तो वो भी हम इन चीज़ों से समझ सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ वाटर की शॉर्टेज की प्रॉब्लम है, ठीक है, हम अपने डेवलपमेंट के लिए नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा, इस सब्जेक्ट को पढ़ के ही पता चलेगा, हमें इम्पोर्टेंस पता चलेगी पानी की, है ना, पेड़ों की, नेचर की इम्पोर्टेंस हमें पता चलेगी, ठीक है। लर्निंग सोशल स्किल्स, ठीक है, हमारी जो सामाजिक कौशल है, ठीक है, हमें समाज में जीने के लिए किस तरह के स्किल्स चाहिए, है ना, वो हम डेवलप करते हैं इस सब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है ना। रिस्पेक्ट द फ्रीडम, हमें आज जो हम फ्रीली हमारी कंट्री में सर्वाइव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके लिए भी हमें स्ट्रगल करना पड़ा था, ठीक है ना। तो उस स्ट्रगल के बारे में जब हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं तब हम क्या करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है ना। अगर आज भी मतलब किसी के गुलाम बन के रहते या स्लेव बन के रहते, तो ये जो हम फ्रीडम से यहाँ वहाँ घूम पाते हैं, अपने मनोवर्ती के हिसाब से हम जी रहे हैं, ये चीज़ें हम नहीं कर पाते, ठीक है, इसलिए हमें फ्रीडम की रिस्पेक्ट करना पड़ेगी। इस सोशल साइंस में आप तीन सब्जेक्ट्स के बारे में बेसिकली पढ़ते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। हिस्ट्री को हम बोलते हैं इतिहास, ज्योग्राफी को भूगोल, सिविक्स को नागरिक शास्त्र, ठीक है। अब हिस्ट्री की डेफिनेशन देखिए, स्टडी ऑफ इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। इसमें हम उन चीज़ों के बारे में या उन इवेंट के बारे में पढ़ते हैं जो पास्ट में या बीते हुए समय में हो चुके हैं, ठीक है ना। तो बीते हुए समय में जो भी गलतियां हमने करी है उन्हें हम आज की तरह में करते हैं, उन गलतियों से सीखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही करते करते कई सभी कंट्रीज ने अपना डेवलपमेंट किया है, कहीं ना कहीं उन्होंने पुरानी गलतियाँ करी थी, ठीक है, पास्ट में उन चीज़ों से हमने क्या किया, कुछ सीखा और हम आज डेवलप होते जा रहे हैं। हिस्ट्री जो वर्ड है, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया है, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी, किसी भी चीज के बारे में पता लगाना, ठीक है ना। एक्चुअली में वही हिस्ट्री है, ठीक है ना, कि जैसे आज हम टेंपल वगैरह देखते हैं, आप पुराने टेंपल्स वगैरह देखने जाते हो कहीं भी, तो आप सोचते हो ना कि यार टेंपल कैसे बनाया होगा, किसने बनाया होगा, ये इतने साल पुराना है, कोई कोई से टेंपल्स हजार साल पुराने, तो कैसे अभी तक वैसे के वैसे ही, तो ये चीजें हमें हिस्ट्री में ही पता चलती है, ठीक है। हिस्ट्री के जो फादर है उनका नाम हेरोडोटस, मतलब इन्होंने भी हिस्ट्री की तरह से हिस्ट्री को डिस्कवर किया था, ठीक है। अब ज्योग्राफी, स्टडी ऑफ लैंड फीचर्स, है ना, जितने भी हमारे अर्थ में जितने भी लैंड फीचर्स हैं, जैसे माउंटेन, प्लेन्स, वैलीज, ठीक है, रिवर्स, स्पेसिस ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, ये चीज़ों के बारे में ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है। इनहेबिटेंट्स, है ना, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, तो वो भी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। फेनोमेना ऑफ अर्थ एंड प्लैनेट्स, ठीक है, अर्थ का क्या फेनोमेना है, है ना, प्लैनेट्स, हर एक प्लैनेट की अपनी एक, हर एक प्लैनेट अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों के बारे में ज्योग्राफी में पता चलेगा। ज्योग्राफी, लैटिन वर्ड ज्योग्राफिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अर्थ डिस्क्रिप्शन, है ना। अर्थ के बारे में पूरी तरह से डिटेल जो हम पढ़ते हैं वही क्या है, ज्योग्राफी है, ठीक है। फादर, ज्योग्राफी के फादर थे, ठीक है ना, ये ज्योग्राफर थे।
और हेरोडोटस कौन थे, एक हिस्टोरियन थे। हिस्ट्री को डेवलप करने वाले हिस्टोरियन, ज्योग्राफी को डेवलप करने वाले ज्योग्राफर, ठीक है। अब सिविक्स से देखिए, स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजनशिप, क्योंकि सिविक्स ह्यूमन बींग्स या एक सिटीजन या एक नागरिक से रिलेट करता है, इसलिए हम उसमें क्या पढ़ेंगे, हमारे जो राइट्स हैं, हमारे जो अधिकार हैं, हमारे जो ड्यूटीज है, ठीक है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सुना होगा, उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, हमारे मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो यही चीज जब हम पढ़ते हैं, क्या एक इंसान को देश में जीने के लिए क्या क्या रूल्स हैं, है ना, क्या क्या उसके फ्रीडम्स हैं, ये सभी हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। हमारा जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है ना, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, ठीक है, ये किस तरह से काम करता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ये सिविक्स एक लैटिन वर्ड सिविकस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रिलेटिंग टू सिटीजन, जिसका संबंध किसी नागरिक से हो, एक ऐसा विषय जिसका संबंध नागरिक से हो, एक सिटीजन से हो, ठीक है ना, उसे ही सिविक्स कहा जाता है। सिविक्स के फादर थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन को सिविक्स का फादर कहा जाता है। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो आपने क्लास सिक्स में हिस्ट्री पढ़ी थी वो एंशियंट हिस्ट्री थी, मतलब प्राचीन मंदिर, मतलब पुराने टेम्पल्स के बारे में, पुराने जो हिंदू किंग्स थे, है ना, या लॉर्ड्स थे, उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। क्लास सेवन तक आप मीडियम हिस्ट्री, मतलब मध्यकालीन भारत के बारे में आप पढ़ोगे, है ना, मुगल्स के बारे में पढ़ोगे कि मुगल्स कौन थे, मतलब बेसिकली देखा जाए तो क्लास सिक्स में जो आपने पढ़ा उसमें सारे हिंदू राजा थे, ऑल ओवर इंडिया पे रूल किया था। क्लास सेवन में आप पढ़ोगे तो जो एक मुस्लिम कम्युनिटी थी उन्होंने काफी टाइम तक इंडिया को डोमिनेट किया, ठीक है। और जो क्लास एट में आप पढ़ोगे वो था मॉडर्न, वो जो क्लास एट में आप पढ़ोगे वो मॉडर्न हिस्ट्री रहेगी, मतलब कैसे ब्रिटिशर्स ने एंशियंट और मेडिवल टाइम को डिफीट करके कैसे उन लोगों ने यहाँ पर रूल किया, कैसे वो हम तक 200-250 साल रूल कर पाए, और काफी कुछ वो लोग डेवलपमेंट भी लेके आए, चाहे वो हिंदू एंशियंट हिस्ट्री हो, चाहे मेडिवल हिस्ट्री, चाहे ब्रिटिश हिस्ट्री हो, है ना। इंडिया हर बार कहीं ना कहीं डेवलप होता चला गया, ठीक है ना। तो आज भी हम अगर देखें तो हम मॉडर्न हिस्ट्री की कैटेगरी में आते हैं, मतलब ये जो आज हम लाइफ जी रहे, मतलब आप एक इंस्टीट्यूशन स्कूल में पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं ये एक ब्रिटिशर्स ही कल्चर लेके आया, हमारे गवर्नमेंट जॉब्स है, तो कहीं ना कहीं ये उनका ही लाया हुआ कल्चर है, ठीक है। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन टॉपिक समझ में आया होगा, ये बोर्ड पे सब कुछ लिखा है, आप देख सकते हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच।